लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज क्लास. हमने आई गेस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, POSL पढ़ रहे थे, और हमने दो तरह से लाइंस निकालनी सीख ली थी. एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब जिसमें दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो, उसकी दोनों लाइंस कैसे निकालते थे. एंड दूसरी चीज, कौन सी दूसरी चीज, अगर दोनों लाइन, मतलब एक नॉर्मल जनरल इक्वेशन, व्हाट वाज द जनरल इक्वेशन, व्हाट वाज द जनरल इक्वेशन ऑफ POSL. एक लंबी सी गंदी सी इक्वेशन दिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy ठीक है, दिस वॉज अ लॉन्ग इक्वेशन. जायश बेटा कोई डाउट है? दिस वॉज अ टू डिग्री इक्वेशन जो कि एक POSL बनाता है. अच्छा, जरूरी थोड़ी हो कि यह POSL बनाए, इट इज नॉट नेसेसरी कि यह POSL बनाए. इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि दिस विल फॉर्म अ POSL इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ. पिछली क्लास में तो मैंने बोला था कि वो जो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए उसकी जगह, मतलब वो चीज ट्रू है, बट वो तो तुम्हें सॉल्विंग करके निकलेगा. एक इसका फॉर्मूला बनता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ POSL इफ एंड ओनली इफ ए बी सी प्लस 2fgh if and only if the value of this is zero. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से. दिस इज अ डिटर्मिनेंट बेसिकली. देखो मैं कैसे याद रखता हूं, ए बी सी, ए बी सी एच H, G, G, ठीक है. दिस इज अ डिटर्मिनेंट जो तुमको जीरो के इक्वल करना है. अगर ये जीरो के इक्वल हो गया, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इक्वेशन, माय गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ POSL. अगर नहीं जीरो है तो दिस इक्वेशन वोंट बी अ POSL. ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ टू डिग्री इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, दैट कर्व वुड बी अ POSL इफ द बिलो कंडीशन सेटिस्फाइज. ठीक है, लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा. ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन.
सब लोगों को ब्रेक्स तक क्लास 100% अटेंड करनी है, उसके बाद जिनको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इश्यू है दे कैन अटेंड, जिनको अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्री दे आर वेरी परफेक्टली क्लियर देन दे कैन लीव द क्लास। ठीक है, करते हैं आगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, डिटरमाइन वेदर तुम्हें बताना है ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये पीओएसएल है कि नहीं है। अनिश बेटा कैन यू सी इट नाउ? Everyone, you have to find out whether this is a POSL or not. क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मैंने एक फॉर्मूला बताया है, उसकी वैल्यू मतलब मैंने एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन बताया है जिसकी वैल्यू अगर जीरो हुई देन इट इज अ POSL, अगर नहीं है देन इट इज नॉट। सब लोग उसकी वैल्यू निकालो। Tell me whether this is a PSL or not. Okay, good Tohin, Uttara good. Everyone, सबके लिए मैं बोल रहा हूं, after Diwali you would be given a roll number. दिवाली के बाद थोड़ा सा synchronization होगा, आप सबको आपका roll number मिलेगा। तो जब जो आप लॉग इन करेंगे तो आपकी आईडी का नाम आपके रोल नंबर्स के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो योर रोल नंबर इज AB01 और योर नेम इज मंदार, देन यू विल राइट AB01 उसके आगे मंदार, That should be your name. आपको बता दिया जाएगा आपका रोल नंबर क्या है आफ्टर दिवाली। नहीं तो इन बेटा अभी नहीं, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले द मोमेंट यू राइट दिस इक्वेशन यू नीड टू राइट वॉट इज द वैल्यू ऑफ ABCHGF. The value of A is 1, B is 4,
सी इज, सी इज माइनस फोर. ये सबको समझ में आता है. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. मैंने बी शायद गलत, दिस इज बी एंड दिस इज सी. नाउ एच इज हाफ ऑफ दिस यानी फोर बाई टू. जी इज हाफ ऑफ दिस यानी थ्री बाई टू. एफ इज हाफ ऑफ दिस यानी सिक्स बाई टू. तो जब भी तुमको ए बी सी और एच जी एफ की पीओएसएल दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू लिख दोगे. ठीक है. अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर. नीचे कुछ गाना चल रहा है बिल्डिंग के नीचे, पता नहीं वो भी भोजपुरी लग रहा है मुझको. ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे ए बी सी प्लस एफ जी एच इन सब की वैल्यूज पुट कर दोगे. आई गेस यू विल गेट दिस एज, मतलब इसकी वैल्यू निकालोगे एंड दिस कम्स आउट टू बी जीरो, जिसका अगर कुछ और आया है तो गलत आ रहा है, उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी. द वैल्यू ऑफ दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो, राइट? तो इसका मतलब दिस इज अ पीओएसएल, दिस इज अ पीओएसएल. ठीक है, आगे करें. बेसिकली ए बी सी वन इंटू फोर इंटू माइनस फोर प्लस टू है? सीधे सीधे तुमको यह समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो. कंपेयर कैसे करते हैं? ए एफ स्क्वायर प्लस टू एच, इसकी वैल्यू टू एच होती है. इसकी वैल्यू टू एच होती है, इसकी वैल्यू टू जी होती है, इसकी वैल्यू टू एफ होती है. तो दैट्स हाउ This comes out to be zero. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थ्योरी. अच्छा, याद करो ये मुझे तीन तरह के पीओएसएल देते थे. किस तीन तरह के? They used to give me three kind of POSL. Real distinct, real equal and imaginary. तो जो उस वक्त वाली कंडीशन थी वो कंडीशन इसके ऊपर भी वैलिड होती है. एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो.
अब वहां पे कोइंसिडेंट थी, यहां पे वो लाइन पैरेलल लाइंस हो जाएंगी क्योंकि यहां पे वो दो अलग अलग लाइन होंगी एंड दे आर पैरेलल लाइंस। इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। सो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ आप लोग को वो याद है एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या था? एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या था याद है आप लोगों को? टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन मॉड ऑफ। तो इस जनरल इक्वेशन के लिए भी ये सारे फॉर्मूले रिमेन सेम, लिख लो। Everyone, please write it down. Let me close down the window. पीछे से आवाज आ रही है. Just give me a moment, guys. हाँ सर, पता नहीं किसका बज रहा है, क्या करें। हाँ ठीक है एवरीवन, पहली है रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, फिर रियल एंड पैरेलल लाइंस, और तीसरी है इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस मतलब इमेजिनरी लाइंस है। क्वेश्चन दो, I have to find the angle between these two lines, this POSL. करो सब लोग। बहुत इजी है, यस गुड। यस श्रवण, हमेशा एक्यूट एंगल होता है लाइंस के बीच का, मॉड लगता है मॉड।
एंगल निकालने के लिए ए वन है, बी इज माइनस सिक्स एंड एच इज माइनस हाफ. एच इज माइनस हाफ. तो टेन थीटा का फॉर्मूला, तो टू रूट, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, हमने लास्ट क्लास में दिस वॉज इक्वल टू जीरो, ध्यान दो मेरी लास्ट क्लास में मैंने ये देखा था, अभी मैंने सिर्फ आगे ऐड कर दिया है, लेकिन ये जो आगे ऐड किया है इससे एंगल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एंगल एंगल के फॉर्मूले में जो तीन वेरिएबल्स आते हैं वो ए बी एंड एच, वो फर्स्ट थ्री टर्म्स के आते हैं. माइनस ए बी, शायद ये वन आता है, ऑब्वियसली निकाल लोगे, दिस कम्स आउट टू बी वन. ठीक है, तो टेन थीटा अगर वन है तो थीटा इज 45 डिग्री. ठीक है, तो माय थीटा इज 45 डिग्री. ग्रेट, ऑलमोस्ट सबका आ गया था, जिनका नहीं आया था उन्होंने कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक की है, तो अवॉइड द सिली मिस्टेक. एक और क्वेश्चन करेंगे. Everyone, I have to find out the value of k such that this expression, this equation represents a POSL. Karo. एवरीवन, मुझे k की वैल्यू बतानी है तुमको सच दैट दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ POSL. होपफुली लास्ट क्लास सब लोग रिवाइज करके आए होंगे, तो उनको ए बी सी और एच जी एफ नोटिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, एच जी एंड एफ. नहीं सोहम, होपफुली सबके पास एरलेस होगी, क्योंकि अभी दिवाली में मैं बताऊंगा कि आपको एरलेस से क्या क्या करना है. तो इन सिली मिस्टेक्स नहीं. शिवराज, कहीं प्लस माइनस की गलती होगी, चेक करो.
अच्छा मेजर मिस्टेक है, उत्तरा करेक्ट। यश गलत है बेटा, यश शमन, शामनी यादव करेक्ट है। जिसका करेक्ट है मैं बोल दूंगा या आंसर ही बोल देता हूं, समझ में आता है, काफी लोग का आ जाना चाहिए था अब तक। स्वयं कैसे गलत है, पांचवा आंसर दिया करो, जीत आंसर दिया करो, इतने सिंपल से क्वेश्चन का आंसर सबका सही आना चाहिए। द आंसर इज के इक्वल टू टू, द आंसर इज के इक्वल टू टू। गलत नहीं आना चाहिए, इफ यू आर सॉल्विंग दैट इज ओके, बट तुम लोग गलत आंसर कैसे दे सकते हो? गलत आंसर का मतलब चला गया, सॉल्विंग मतलब आई विल टेक वन मोर मिनट एंड आई विल सॉल्व इट, दैट इज ओके। गलत आंसर देना मतलब मैथ्स के नाम पे तुम लोग एक धब्बा हो, धब्बा काला वाला धब्बा जो होता है ना। सो इतने इजी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं आना चाहिए, बहुत ही फ्रेंकली बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू के, एच इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू थ्री बाय टू, आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी सी और एच जी एफ की करेक्ट वैल्यू लेनी है, वन टू के माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू एंड माइनस फाइव बाई टू, और फॉर्मूला में पुट करना है। यस गुड पार्श्वा, फॉर्मूला में पुट करना है, कौन से फॉर्मूला में? ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, एंड उसमें पुट करने के बाद K की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। That's it. नंदिनी ठाकरे बेटा नहीं गलती नहीं, जब ये वैल्यू सही है तो उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन वाला है। ठीक है ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई आपको। पीओएसएल थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड होता है, अलग अलग फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा और दैट वुड बी फॉर्मूला बेस्ड। पीओएसएल है क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो लाइंस। रिपीट कर रहा हूं, पीओएसएल है क्या? दो लाइन। अगर दो लाइन है, अगर इफ दे आर टू लाइन्स, देयर वुड एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन है तो उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो उस इंटरसेक्शन लाइन पॉइंट का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला, एच एफ माइनस बी जी होल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, एंड दूसरा है
जी एफ माइनस ए एफ, मतलब ये दो अलग पॉइंट थोड़ी है, एक ही पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। राइट डाउन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लिया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं नीचे, वो क्वेश्चन आपको करना है यूजिंग ऑब्वियसली फॉर्मूला। आयुष चांद देकर उस चीज का अपना एक एग्जांपल लेके खुद ही देखना कि क्या आता है उस केस में। यूज योर ओन लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ POSL 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² प्लस 8x प्लस 14y प्लस 8 इक्वल टू 0 करो। इसका आंसर बताओगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओगे। पानी की बोतल मेरी, यस, काफी लोग के सही आंसर आ रहे हैं। अश्वत बहुत गलत रहता है बेटा, पांचवा गलत कैसे आ सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक नॉट एक्सपेक्टेड। अक्षय वाइज का ही क्यों गलत है, श्यामनी जाधव सिली मिस्टेक नहीं। The answer is yes, Shavan, mistake. The answer is minus 2.0. Jeet Shah, beta, कैसे गलती हो जाती है तुम लोगों से? The answer is minus 2.0.
श्रावणी करद, कैन यू सी इट नाउ? हाँ जी, जो भी हो बेटा, नहीं होना चाहिए ना, एनीवन, मिस्टेक छोटी बड़ी होती ही नहीं. मिस्टेक इज अ मिस्टेक, मिस्टेक इज अ मिस्टेक. ठीक है, तुमने क्या प्लस माइनस कर दिया, क्या कर दिया, इन द एंड इट कॉस्ट यू अ लॉट. ठीक है, अगेन मैं सिर्फ ए बी सी एच डी एफ की वैल्यू लिख रहा हूं, मुझे पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ए इज इक्वल टू टू, चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू टू, एच इज इक्वल टू 7/2, बी इज इक्वल टू 3, जी इज इक्वल टू 8/2 यानी 4, एफ इज इक्वल टू 14/2 7, एंड सी इज इक्वल टू 4. अब फॉर्मूला पुट करोगे, कौन सा फॉर्मूला? अपना यही वाला. मैं पहले एच एफ माइनस बी जी अपॉन, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो एच 7/2 इंटू एफ, बी 3 इंटू 4, शायद इसको सॉल्व करते हो तो -2 आ जाता है आंसर. सी 8 है, सॉरी मैंने 4 गलती से लिख दिया है. तो इसको सॉल्व करते हैं, -2 आता है, ये x कोऑर्डिनेट है, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 0 आता है. हाँ, इवन दो ये फॉर्मूला सही है, मतलब फॉर्मूला तो गलत है ही नहीं, बट मैंने कभी ये फॉर्मूला यूज नहीं किया, ना मुझे ये फॉर्मूला याद है. अभी जब ये मैं फॉर्मूला लिख रहा था तो मुझे अपने नोट्स देख के फॉर्मूला लिखना पड़ा. पूजा बेटा कैसे जी 14 हो गया? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो ना बेटा, 2gx होता है ना, 2fy होता है ना बेटा, सो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन. अब मैं बताता हूं कि हाउ इट्स अ ट्रिक, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं दैट्स अ ट्रिक, एंड दैट इज अ वेरी यूजफुल ट्रिक टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी POSL. इट्स अ ट्रिक. आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन सबको पता होगा. अब मैं मेथड 2 बता रहा हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जिसको दिस मेथड इज ओनली टू यूज इस मेथड का और कोई इस मेथड से और कोई रिजल्ट नहीं मिलता. इस मेथड के करने से सिर्फ और सिर्फ मुझको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है. ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट, पार्शियल Differentiation of POSL with respect to x. अभी partial differentiation क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा. Partial differentiation of POSL with respect to x. Step 2 क्या होगा? और तीसरा है साइमल्टेनियसली सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2.
जो भी स्टेप वन और स्टेप टू से इक्वेशन आएंगी उनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। सब लोग पहले ये लिख लो, फिर मैं इसके ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं खुद से करूंगा और एक क्वेश्चन तुम्हें करना होगा, ठीक है? एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। जो मैं क्वेश्चन करूंगा यही अपना अपना यही वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे सेम आता है। व्हाट वाज माय पीओएसएल? माय पीओएसएल वाज ठीक है, मैं अगेन पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व वन एंड टू। ठीक है, अब समझो क्या करना है मुझको। इसको मैं स्टेप वन, मुझे इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? फोर एक्स, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ 7xy का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? बहुत लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 7y। वी डोंट कंसीडर y, क्योंकि सी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है, y तो मेरे लिए कांस्टेंट है। अगर तुम ऐसे समझो 20x का डिफरेंशिएशन 20 होता है, ax का डिफरेंशिएशन a होता है, तो 7 yx का डिफरेंशिएशन 7y होगा। एवरीवन क्लियर? सिर्फ और सिर्फ मुझे x को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारी चीजें मेरे लिए कांस्टेंट है। थ्री वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? थ्री वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो, जीरो। थ्री वाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। एट एक्स का डिफरेंशिएशन 8, 14y का डिफरेंशिएशन अगेन जीरो। क्यों? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, x के रेस्पेक्ट में 14y इज अ कांस्टेंट। 8 का डिफरेंशिएशन अगेन जीरो। तो मेरा पहली इक्वेशन जो बनी अब मैं क्या करूंगा, ये क्या था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं वाई के लिए 2x का डिफरेंशिएशन जीरो, 7xy का डिफरेंशिएशन 7x,
सिक्स वाई I have got two equation. What I need to do? I need to solve them simultaneously. मैं अब इन दोनों को simultaneously solve करूंगा और मेरा point of intersection निकल जाएगा. सब लोग इसको simultaneously solve करके देखो. माइनस टू कॉमा जीरो. ठीक है, दिस इज अ मेथड विच इज वेरी यूजफुल. दैट्स हाउ यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पीओएसएल. अभी मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा, उसमें भी तुमको निकालना है और बिल्कुल सही निकालना है. ठीक है, दू एवरीवन, इसका पीओएसएल निकालो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो यूजिंग द ट्रिक मेथड, जिसको तुम ट्रिक मेथड भी बोल सकते हो. दैट इज योर विश. तो उसको तुम्हें क्या बोलना है, यू कैन कॉल देम ट्रिक मेथड. Everyone, मुझको सही आंसर चाहिए सबका. आंसर देने से पहले अपना आंसर डबल कंफर्म कर लेना, ट्रिपल कंफर्म कर लेना, फिर आंसर देना मुझको. ऐसा ना हो कि गलत पहला आंसर गलत दिया फिर बोलो शेट यार सर गलत हो गया मैं सही करके भेजता हूं, वैसा नहीं चाहिए मुझको. ओके, गुड, आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड. श्यामनी यादव कुछ गलती की है क्या? यश श्यवन कुछ मिस्टेक की है क्या? द आंसर इज -3, -1.
ये पहले उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने से आया, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3xy का माइनस 3y, इसका 0, इसका 3, 0, 0, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मुझे नहीं बताना चाहिए, माइनस 3 कॉमा माइनस 1, ठीक है। दिस मेथड इज यूज ओनली टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे होता है, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, माइनस 3xy का x के रेस्पेक्ट में x हट जाएगा। बेसिकली आपको ये पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, x की पावर 2 का 2x, सिंगल x का 1, 2y स्क्वायर का 0, क्यों, इट्स अ कांस्टेंट, 3x का अगेन 3, माइनस 5y का अगेन 0, इट्स अ कांस्टेंट, 2 का अगेन 0, इट इज अ कांस्टेंट। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, तो x स्क्वायर मेरे लिए कांस्टेंट होगा 0, माइनस 3xy में y सिंगल है तो माइनस 3x बचा, 2y स्क्वायर में y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का 2y इंटू 2 4y, 3x अगेन गायब, माइनस 5y का माइनस 5, All I need to take is derivative, ठीक है? Last theory of POSL. Let me tell you the last theory of pair of straight line. शिवराज बेटा मेरी बातें सुना करो ध्यान से and try to think properly, ठीक है? मैंने जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका मैंने दो बार आंसर दे चुका हूं। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, What was this? याद है? These are the line passing through origin. बच्चों अभी मैंने कम से कम तीन या चार बार बताया कि ये method सिर्फ और सिर्फ point of intersection निकालने के काम आता है, lines निकालने के काम नहीं आता है। तो ये डाउट कैसे हो रहा है कि ये लाइंस हैं? अगर ये लाइंस होती तो मैं तुमको बोल नहीं रहा होता कि ये लाइंस हैं। दिमाग लगाओ ना बेटा, मैंने पहली बार भी बोला फिर बोला कि दिस इज ऑनली टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दीज आर नॉट द लाइंस जो उसको रिप्रेजेंट करती हैं। सो यू शुड नॉट हैव दैट कंफ्यूजन। लाइंस निकालने का मेथड अपना पुराना वाला मेथड है एंड यू विल फॉलो दैट मेथड ओनली। थिंक प्रॉपरली, मतलब गाइस तुम्हें अगर नहीं सोचोगे तो मतलब जिस लेवल पे तुम लोग अभी हो उसी लेवल पे दो साल रहोगे और कुछ नहीं होगा फिर। दीज स्टडीज शुड हेल्प यू डेवलप योर इंटेलिजेंस, डेवलप योर थिंकिंग, डेवलप योर एनालिटिकल स्किल्स। सिर्फ स्कूल की तरह जितना बताया है उतना ही करना शुड नॉट बी इनफ कि सर ने इतना बता दिया वही हम सोचेंगे, ठीक है? फिर तुम में और गधों में कोई डिफरेंस नहीं है। गधों को बोला जाता है इतना काम करो, वो उतना ही करते हैं, दे डोंट यूज देयर ब्रेन्स, ठीक है? तो देख लो तुम लोग क्या हो। हाँ, वापस आते हैं। दिस इज अ पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कोई भी पीओएसएल
के लिए क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं? What would be this? Angle bisectors. This would be angle bisectors. ये भी तो दो लाइन होंगी ना, तो इस एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होती है द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द POSL इज, उस एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होती है वो मैं लिख दे रहा हूं जो तुमको अगेन याद रखनी पड़ेगी. Directly, this is a combined POSL equation of the angle bisector. हाँ, ठीक है? Okay, guys, ये तुमको याद रखना है. ये जो formula मैंने दिया है, h times x square minus y square is equal to a minus b times xy. इसी के ऊपर दो class, दो question करेंगे and हमारा POSL चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया. इतना ही चैप्टर है और इतने ही चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है. इट्स अ गुड थिंग ना यार. और थोड़ा और बता दूं, POSL इज चैप्टर विच इज ओनली देयर इन योर मेंस. ये एडवांस का चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ मेंस का चैप्टर है. ठीक है, क्वेश्चन दे. Find the equation of pair of angular bisector. टू ये h नहीं है, सॉरी यहाँ पे h नहीं है. किसी ने ये मैंने गलती से लिख दिया है. दिस इज जस्ट 2xy. x square plus 2xy cot theta plus 2y square equal to 0. ये इक्वेशन है, इसको करो. इसके पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखनी है तुमको. ऑलमोस्ट सबसे आ रहा है.
cot theta x square minus y square is equal to agree? इसको इधर भेज देंगे, मतलब थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में अच्छे फॉर्म में लिखना है तो दिस इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, अगर यही क्वेश्चन एक ही जगह मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया होता है, एक्स स्क्वायर तब क्या होता बताओ. आंसर बताओ क्या होता. यस श्रवण, परफेक्टली करेक्ट. तुहिन बेटा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया करो. तुहिन सोहम माली, मतलब रुतेजा, सेम मिस्टेक. मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझको आंसर दो. नहीं, तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो यार, बिल्कुल ही मतलब नहीं लगाते हो तुम लोग. आई एम ओनली हैप्पी विथ यश श्रवण एज ऑफ नाउ. आई एम नॉट हैप्पी विथ एनी वन एल्स. जीत शाह, मुझे तुम लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर कैसे दे सकते हो? सेम विद नो एक्स वाई टर्म, व्हाट इज दिस आंसर? टाइम पास चलता है क्या बेटा यहाँ पे? गिव मी द करेक्ट आंसर. एग्जाम में भी आए हो, ऊपर का आंसर ए है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी ए है, तो आंसर लिखोगे सेम एज अबव. दिमाग है ना बेटा? शिवराज गुड बेटा, नक्षत्र गुड, रुतजा गुड, अजिंक्य गुड, अक्षय नॉट हैप्पी, आदित्य गावकर गुड. द फाइनल आंसर इज स्वयं गुड. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. कॉट थीटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वन. तो कॉट थीटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. लेकिन कॉट थीटा तो एक कांस्टेंट है ना, कॉट थीटा वेरिएबल थोड़ी है. कॉट थीटा वेरिएबल नहीं है तो कॉट थीटा गायब हो सकता है. क्यों? दूसरी साइड जीरो है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. जीत ऑब्वियसली लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो एक्स, उसके आगे लैंग्वेज में लिख सकते हो स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि कुछ लोग मुझे वैसे भी आंसर देते हैं. ठीक है, x square minus y square equal to zero. This is my answer for this question. Obviously, कहीं you always have to give the answer in the most simplest form. तुम 6y plus 36, 6x plus 36y equal to zero अगर answer दोगे तो मैं गलत मानूंगा. था correct answer for this is So, और ये मैंने बहुत बार बोला है कि योर आंसर शुड बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीओएसएल.
ठीक है, इफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, देन फाइंड पी इंटू क्यू. That's the last question. गुड तो है. यश, अश्वथ, सैम, गुड. बाकी लोग भी आंसर दो. आदित्य गांवकर, सिली मिस्टेक्स नहीं. यश श्रवण बेटा, रेज योर हैंड. And Tuhin, raise your hand. तुम दोनों से मैं डिस्कस करता हूं क्या किया तुम लोगों ने. स्टेप वन बाय वन. यश, सो पहले फर्स्ट इक्वेशन में ए बी और एच निकाला. ठीक है, ए इक्वल टू वन, बी माइनस वन, एच माइनस माइनस पी, सॉरी. हाँ आप बताओ. फिर उसका एंगल बाइसेक्टर निकाला. हाँ क्या? माइनस पी इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स वाई. वन माइनस ऑफ माइनस वन यानी टू एक्स वाई. यस, ठीक है. देन और फिर उसको सेकंड इक्वेशन से रिलेट किया. ठीक है, कैसे रिलेट किया? सेकंड अभी डायरेक्टली रिलेट किया कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद रिलेट करके. क्या कह रहे हो बेटा? रीअरेंज करके रिलेट किया. हाँ, तो कैसे रीअरेंज किया? माइनस माइनस पी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर को उस साइड लिया. ओके, अच्छा ठीक है, चलो उधर ले लेते हैं. इसको इधर ले लिया तो पी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई. एम आई राइट? यस सर. अब क्या? फिर पी की वैल्यू वन आती है और क्यू की वैल्यू माइनस टू वन. यहाँ पे गलत हो बेटा. तुहिन, व्हाट अबाउट यू? सर, मैंने पहले ये एंगल बाइसेक्टर के लाइन से एच और ए माइनस बी का वैल्यू निकाला, फिर दोनों पे एक साथ किया. हाँ, फिर यही बनेगा ना. देन उससे मेरे को पी और पी की वैल्यू माइनस वन आए, क्यू की वैल्यू वन आए. ओके ठीक है, चलो गलत है. सैम, रेज योर हैंड. हाँ क्या बेटा, पी की वैल्यू क्या आई है, क्यू की वैल्यू क्या आई? सर वो ही क्या, पी की वैल्यू क्या आई? सर पी की वैल्यू वन आई, क्यू की वैल्यू माइनस वन आई. कोई है जिसको जो ये लोग बोल रहे हैं कि p की वैल्यू 1 एंड q की वैल्यू माइनस 1 है, ये गलत है? एनीवन?
जो जिन जो ये बोल रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग वो हैंड रेस करें. हाँ सोहम सोहन सॉरी. हाँ सोहन बेटा सर मेरे को तो मेरी पी की वैल्यू माइनस वन आई और क्यू की वैल्यू वन आई. ठीक है चलो वो भी गलत है अभी बताते हैं. एनीवन एल्स हाँ जिंकिया सर मैंने जो सेकंड इक्वेशन दिया है उसको माइनस टू क्यू एक्स वाई को राइट साइड में लिया. ठीक है डज नॉट मैटर यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा ये माइनस प्लस मतलब ये माइनस आ जाएगा माइनस ये प्लस आ जाएगा. सर सो अगर ऊपर के इक्वेशन में लाइक एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर दोनों इक्वेशन में कॉमन आता है तो हम एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके पी क्यू की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते नहीं, हैं. अजीत सर मैंने पहले तो ये ऐसे ही निकाला और उसका जो ऊपर दिया ना एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स वो दोनों को इक्वेट कर दिया इसको ये जो अपना फाइनल है और जो ऊपर जो है वो उन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन द ब्रैकेट होल सीधा इक्वेशन बता रहा था सर. नहीं नहीं गलत है. जयेश बेटा जयेश जयेश कॉलमेंडे सॉरी बेटा कुछ बोलना चाहोगे. शुभम यू वांट टू से एनीथिंग. यस सर. हाँ सर उधर अपने व्हाइट कलर में जो सबसे पहली लाइन लिखी है 2xy की वैल्यू है उधर तो उसको जो दूसरा x2 - 2qxy - y2 है तो उधर 2xy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नहीं नहीं गलत है. ठीक है अब मैं आता हूँ बताता हूँ. ठीक है एवरीवन म्यूट योरसेल्फ. एग्जांपल से सबसे पहले समझाता हूँ. x plus y is equal to 0, 2x plus 2y equal to 0. ये दोनों सेम लाइन है कि अलग लाइन है. जस्ट टेल मी दिस आर दी सेम लाइन और डिफरेंट लाइन. Everyone says same line. तो इसका मतलब ये हुआ 2 equal to 1. मतलब x के आगे 1 आ रहा है यानी यहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ पे 1 है तो 1 equal to 2. नहीं अतर मिलकर उल्टा सीधा मत बोला करो. दे आर पैरेलल लाइंस दे आर नॉट सेम. कैसे नहीं बेटा ये पैरेलल लाइंस कैसे कुछ भी मत बोला करो अतर मिलकर बेटा दिमाग लगाया करो. नहीं अच्छा लगता है 11th में आके तुम ये बोल रहे हो कि दे आर पैरेलल लाइंस नॉट सेम लाइंस. ठीक है दीज आर सेम लाइंस. तो जब भी दो इक्वेशन सेम होती है व्हेन टू इक्वेशन आर सेम तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है कोएफिशिएंट सेम नहीं होता है. यानी इसका कोएफिशिएंट जो भी यहां पे कोएफिशिएंट होगा और जो भी यहां पे कोएफिशिएंट होगा यानी 1 by 2 would be same as इनके कोएफिशिएंट का रेशियो 1 by 2. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी अगर ये दोनों दे आर सेम सेम कर्व सेम POSL तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा. मतलब p by 1 x square का कोएफिशिएंट p by 1 is equal to xy का कोएफिशिएंट is equal to y square का कोएफिशिएंट. ये चीज ट्रू होगी. ठीक है यानी p इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज किसी भी दो को लेंगे पी क्यू इज इक्वल टू माइनस वन. द ओनली रिजल्ट विच आई कैन गेट इज पी क्यू इज इक्वल टू माइनस वन. इसका मतलब अगर p की वैल्यू 3 है तो q की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री भी हो सकती है और दोनों एक्सप्रेशन सेम होंगे.
चाहे तो पुट करके देख लेना, किसी एक में पी की वैल्यू 3 पुट करना और क्यू की वैल्यू -1/3 पुट करना और चेक करना, दोनों चीजें सेम होंगी। तो पी एंड क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता है तुमको, लेकिन पी इंटू क्यू की वैल्यू -1 है, ठीक है। सो ये जो चीज मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट इट्स अ बिट ऑन हायर साइड कॉन्सेप्ट, काफी बार लोग कंपेयर कर लेते हैं, बट दिस इज ऑन अ हायर साइड कॉम, ठीक है। ठीक है, हाँ, जिसको ये चीज की कोई प्रॉब्लम है, नो इश्यूज, आगे चल के ये चीज बहुत बार रिपीट होगी। ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक, बहुत लोग ब्रेक 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 चिल्ला रहे हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक, ओके, 10 मिनट का ब्रेक है। POSL यहां पे डन होता है मेरा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज डन, ठीक है।